हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं लाइट के एक और फेनोमेनॉन के, वो है लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बात ये उठती है कि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते किसको हैं, व्हाट इज़ द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर हम लिखना चाहें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है तो हम क्या लिखेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमिनन ये कहता है कि जब भी लाइट किसी एक मीडियम से पास करते हुए किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो हम इस फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको। हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को लिख सकते हैं व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अनदर मीडियम, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट किसी एक मीडियम से पास करते हुए किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो हम इस फेनोमेनॉन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, व्हाट आर द जनरल एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहला एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं फर्स्ट में कि जब लाइट जो है, और नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन और ए स्टार्स, कि सन और ए स्टार जो है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, मून भी सोर्स ऑफ लाइट है, तो इन सभी से जो लाइट हमारी पृथ्वी तक आती है या हम तक आती है, हम तक जो लाइट पहुंचती है जिसके चलते हम सूरज को सन को स्टार्स को या फिर मून को देख पाते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ से चलती हुई लाइट रेस, लाइट की एनर्जी हमारी आंखों तक पहुँचती है। तो जब ये लाइट चलेगी तो सन से जो लाइट एमिट हो रही है वह सबसे पहले अपनी जर्नी शुरू कहाँ से करती है, तो यह करती है वैक्यूम से। वैक्यूम से पास करते हुए जब यह लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में इन करती है, पृथ्वी के चारों तरफ का जो वातावरण है, जो एयर का लेयर है पृथ्वी के चारों तरफ, जब उसमें एंटर करती है, जैसे ही वो लाइट सन से चलती हुई स्टार से चलती हुई जब वह वैक्यूम से पास करते हुए हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हम कहते हैं कि लाइट इज रिफ्रैक्टेड। कहाँ से रिफ्रैक्ट हुई है, वैक्यूम टू एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। तो फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देना चाहें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का तो क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं लाइट कमिंग फ्रॉम सन स्टार्स और मून, कमिंग फ्रॉम सन स्टार्स और मून किधर से आएंगे, थ्रू वैक्यूम एंड एंटर्स इनटू एटमो एस्फेयर ऑफ अर्थ, एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ। एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ क्या है, एयर है जिसको हम एयर बोलते हैं, इनटू एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड, तो हम इसको कह सकते हैं कॉल्ड लाइट इज
रिफ्रैक्टेड लाइट क्या हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई है, कहां से, रिफ्रैक्टेड फ्रॉम वैक्यूम टू एयर। तो हम कह सकते हैं कि लाइट का क्या हो गया है, रिफ्रैक्शन हो गया है, लाइट जो है रिफ्रैक्टेड हो गई है, कहां से कहां, वैक्यूम से एयर में। दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर टू, जब यह लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करते हुए पृथ्वी पर आती है, अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है, तो अर्थ के सरफेस पे जो हमारे ओशियंस हैं, ओशियंस में जो हमारा वाटर है, तो लाइट जो है वाटर के अंदर भी एंटर करती है। तो जैसे ही लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास करते हुए ओशियन के वाटर में एंटर करती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लाइट इज अगेन रिफ्रैक्टेड। लाइट का क्या हो गया, फिर रिफ्रैक्शन हो गया, कहाँ से कहाँ, एयर से वाटर में। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में अगर हम लिखना चाहें, एक सेकेंड एग्जाम्पल देना चाहें, तो क्या दे सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि व्हेन लाइट पासिंग थ्रू अर्थ एटमोस्फेयर, अर्थ एटमोस्फेयर यानी कहां से, एयर से, एंटर्स इनटू वाटर ऑफ ओशियंस, वाटर ऑफ ओशियंस, देन इट इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड दैट लाइट इज रिफ्रैक्टेड, लाइट इज रिफ्रैक्टेड कहाँ से कहाँ, रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर। तो हम कहते हैं कि लाइट का क्या हो गया है, रिफ्रैक्शन हो गया है। तो व्हाट इज द फेनोमेनॉन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट का प्रोपेगेशन का मीडियम चेंज हो जाए, लाइट एक मीडियम से चलते हुए दूसरे मीडियम में जैसे ही एंटर करती है, तो हम कहते हैं कि लाइट का क्या हो गया है, रिफ्रैक्शन हो गया है। और इसके दो एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं। अब आइए कि लाइट का जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या चीज़ देखने को मिलेगा। तो पहली बात ये होगा कि इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होगा, पहला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा, दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है, प्रोपेगेशन का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज चेंज, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और इसमें एक एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन का केस है, बाकी जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होना ही होना है। दूसरा चीज क्या होता है कि लाइट जब भी रिफ्रैक्ट करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, तो उसकी स्पीड भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सेकेंड क्या होता है इसमें, इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व होगी, द स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज्ड, लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और यह स्पीड इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी,
वह इस बात पर डिपेंड करती है कि लाइट किस मीडियम से आते हुए किस मीडियम में एंटर कर रही है, यानी कि लाइट की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी वह उस मीडियम पर डिपेंड करता है जिस मीडियम में लाइट एंटर करती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज चेंज्ड, द चेंज का मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज, द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन मीडियम, और वो मीडियम पर डिपेंड करेगी कि लाइट की स्पीड बढ़ेगी कि लाइट की स्पीड घटेगी। तो दो चीजें होंगी, एक होगा कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज चेंज, लाइट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब डायरेक्शन स्पीड की लाइट का मूवमेंट का डायरेक्शन और स्पीड उसकी स्पीड जब चेंज होती है तो कुछ नियम फॉलो होते हुए दिखते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जब भी रिफ्रैक्शन होगा लाइट का तो कुछ लॉज जो हैं फॉलो होते हुए दिखते हैं, लगता है कि लाइट ये रिफ्रैक्ट हो रही है तो कुछ नियमों का पालन करते हुए हो रही है, इन नियमों को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लेट अस डिस्कस द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।